पैराग्राफ पे रहा, उसी से आगे जब हम जाएंगे पैराग्राफ से बेसिक से निकल के, तो ऐसा ऐसा वही चीजें आएंगी लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होगा। अब वो डिफरेंट क्या होगा वो इसमें पता चलता है, लोकेटिंग रेलिवेंट एंड इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती क्या है इससे सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जाहिर ही पैराग्राफ की ही बात कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में पूरे में जिसमें टॉपिक सेंटेंस था, जिसमें बॉडी सेंटेंस था, जिसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस था, तीनों सेंटेंसेस मिलाकर हमने पैराग्राफ बनाया। उन पैराग्राफ में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। फर्स्टली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने डाटा पे, प्रॉब्लम पे। जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम पे तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, वो क्या होती है, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट हो, हम आम बात करते हैं, जो जनरल बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है उसमें हमारे पास टॉपिक है, हमारा जो जनरल स्टेटमेंट है अगर उससे रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट है तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन बात क्या है कि लोकेट करना है, हमने क्या करना है, लोकेट करना है। कैसे पता चलेगा, हमने फर्स्टली बात की थी मेन टॉपिक की, कि हमने टॉपिक कैसे ढूंढना है। मेन टॉपिक क्या होता है, एक फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट होता है, उसी से हम ये लोकेट कर सकते हैं, यह रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जनरली ये होता है कि अमूमन हमारे पास डेटा ज्यादा मौजूद होता है, हमारे पास ज्यादा डेटा मौजूद होता है, उसमें से कुछ डेटा रेलिवेंट होता है और कुछ डेटा इररेलीवेंट होता है। अब बात यह है कि रेलिवेंट डेटा क्या होता है, इररेलीवेंट डेटा क्या होता है। रेलिवेंट के बारे में मैंने अभी बताया और इररेलीवेंट के बारे में हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे। ये जो स्टेप्स है, रेलिवेंट फ्रॉम इररेलीवेंट, रेलिवेंट से इररेलीवेंट की जानिब जब हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कैसे पता चलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी ये रेलिवेंट है या फिर इररेलीवेंट है। ये हमारे पास पहला स्टेप है, इसके वो क्या है, मेन टॉपिक ऑफ द मटेरियल। जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास मटेरियल मौजूद है, उसका वो मेन टॉपिक क्या है, हमारे पास उसका मेन टॉपिक क्या है, उसका थीम क्या है, सबसे पहले हमको वो ढूंढना है, वो तलाश करना है। जब वो हमको मिल जाएगा हम अगले स्टेप पे जाएंगे, स्पॉटिंग आइडिया रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। जो स्पॉटिंग आइडिया है, हमारे स्पॉटिंग सेंटेंसेस है, हमारे बॉडी सेंटेंसेस है, वो जो हमारा थीम है आगे, वो जो आइडिया है वो हमारे मेन टॉपिक को रिलेट कर रहा है, क्या वो उससे अटैच है, क्या वो उससे अटैच है। अगर वो उससे अटैच है तो वो भी रेलिवेंट है, अगर वो उससे अटैच नहीं है तो वो इररेलीवेंट है। उसके बाद आता है नॉट रिलेटेड डेटा, ऐसा स्पॉटिंग आइडिया जो कि रिलेट नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं कि वो नॉट रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है नॉट इररेलीवेंट, ऐसी सोच जो हम देखते हैं, हम अपने हिसाब से पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारी थिंकिंग के मुताबिक वो जो डेटा होता है वो रेलिवेंट नहीं होता। अगर वो डेटा रेलिवेंट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो हमारा इररेलीवेंट डेटा की जानब हमारा स्टेप जा रहा है। फिर उसके बाद कनेक्ट इट टू द मेन टॉपिक। अब जो हमारे पास डेटा है इररेलीवेंट की जानब जा रहे हैं ना, एक तो मेन टॉपिक ऑफ द मटेरियल उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए। स्पॉटिंग आइडिया रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, ऐसे आइडिया जो कि मेन टॉपिक से रिलेटेड है वो नहीं होने चाहिए। नॉट रिलेटेड, जो हमारी सोच के मुताबिक है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नॉट बी रेलिवेंट, मतलब कि वो रेलिवेंट नहीं होना चाहिए, वो डेटा रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब अप्लाई करना है कनेक्ट इट टू बी मेन टॉपिक। अब जो डेटा हमारे पास बचा है, हम इररेलीवेंट की जान जा रहे हैं, हम इररेलीवेंट की जान जा रहे हैं, अब जो डेटा हमारे पास बचा है हमने उसको अप्लाई किया हमारे मेन टॉपिक पे, हमारा जो मेन टॉपिक है, जब हमने उस पे अप्लाई किया, जब मेन टॉपिक है जो हमारे पास डेटा मौजूद है तो उस पर क्या हुआ, वो रेलिवेंट सी उसकी नहीं निकली। अगर तो वो रिलेटेड है हमारे मेन टॉपिक से तो वो रेलिवेंट डेटा है, अगर वो रिलेटेड हमारे मेन टॉपिक से नहीं है तो वो इररेलीवेंट डेटा है। नॉट कनेक्शन,
जैसे उसने बोला है अगर कनेक्ट हो रहा है, अगर हमारा कनेक्शन बना हुआ है अभी तक मेन टॉपिक पे इतने स्टेप्स के बाद भी, तो क्या हुआ वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो गया, कोई सीन नहीं है, रेलिवेंसी का कोई सीन नहीं है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है, कनेक्शन नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग जो रेलिवेंट और इररेलेवेंट डेटा है उसको लोकेट कैसे करते हैं, वो होता क्या है। पैराग्राफ, सबसे पहले हमको पैराग्राफ का पता होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन सब का पता होने के बाद हमें ये बताना चाहिए रेलिवेंट डेटा क्या है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। ये था आज हमारा टॉपिक। इन स्टेप्स को आपने अच्छे तरीके से देखा है, रेलिवेंसी कैसे शो होती है कि जो भी हम अगर अप्लाई करते हैं डेटा किसी प्रॉब्लम पर जो उसका सोल्यूशन निकलता है, अगर जो सोल्यूशन निकलता है तो वो रेलिवेंट है, अगर नहीं निकलता तो वो इररेलेवेंट है। इसको आपने अच्छे से करना है और पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उनसे इसका कनेक्शन बनाना है, विदाउट कनेक्शन आपको समझ नहीं आएगा।